संभ्रम भ्रमिलिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगज्वल ललाट पट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण ममा हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा सुपर हिट और मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। आपने देख ही लिया है, मैंने अपने प्यारे से बेटे रुद्र को भगवान शिव का रूप रखा है, उनका मेकओवर किया है रुद्रा का। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास इसलिए है क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको ड्रेस बनाना भी सिखाया है। तो सबसे पहले आप एक सॉफ्ट सा बहुत ज़्यादा अच्छा सा कपड़ा ले लीजिए ताकि बच्चे कंफर्टेबल फील करें, और उसके किसी हाफ पैंट से आप मेजरमेंट रख लीजिए। 2-2 इंच का आप मार्जिन रखेंगे और ऊपर से मोड़ने के लिए 2 इंच का मार्जिन है, और नीचे से आप जिगजैग पैटर्न कर लेंगे। तो आप रफली जिगजैग पैटर्न से आप कटिंग कर लीजिए, और भगवान शिव के ऊपर से जो अंगूछा आता है अब हम वो कटिंग कर लेते हैं। इसकी जो लेंथ रखी है वो मैंने बच्चे के हिसाब से रखी है, आप भी अपने बच्चे के हिसाब से रखिए। और जो इसकी चौड़ाई रखी है वो है 4 इंच। तो अब हम आगे ऊपर इसको फोल्ड कर लेते हैं, जिसके अंदर मैंने सुई धागे से कच्चा कर लिया है ताकि मैं जब इसके अंदर कोई इलास्टिक वगैरह डालूँ तो बच्चा काफ़ी कम्फर्टेबल रहे बैठने में, उसको फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने में या कोई पोज देने में वो बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल फील करे। और साइड में हम सिलाई लगा लेंगे, साइड में भी हम उसको बंद कर लेंगे, जैसे एक स्कर्ट होती है उसकी तरह मैंने इसको सिल लिया है। तो आप देख सकते हैं शिव जी का ड्रेस बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। तो आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आज आपके लिए एक क्वेश्चन है, तो आप मुझे बताइए भगवान शिव ने अपनी माता किसको माना था। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो गाइज प्लीज़ लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत मेहनत लगाई है मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए और बहुत दिल से बनाई है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। जो कुछ श्रृंगार का सामान है, जैसे हाथ में बांधने वाला ब्रेसलेट, कुछ माला हो गई, बाजू बंद हो गया, इस टाइप की मैं एक्सेसरीज इसी माला से बना लूँगी। तो ये माला बन गई है, धागा मैंने इसी का इस्तेमाल किया है, काफ़ी मज़बूत धागा था। अब हम चंद्रमा बना लेते हैं। चंद्रमा बनाने के लिए मैंने एक ग्लिटर शीट ली है और उसके ऊपर थोड़ा सा ट्रेसिंग कर ली है ताकि जो चंद्रमा है वो एकदम शेप में बने। और चंद्रमा बनाना वैसे भी बहुत इजी है, तो आप देख सकते हैं मैंने कितना इजीली चंद्रमा बना लिया है। अब इसे मज़बूत करने के लिए मैं इसे किसी मज़बूत सी शीट के ऊपर पेस्ट कर लूँगी ताकि चंद्रमा काफ़ी मज़बूत रहे। अब हम बना लेते हैं त्रिशूल। त्रिशूल बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है, तो सबसे पहले आप वो पैटर्न कट कर लीजिए जो आपको त्रिशूल बनाना है, पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए। मुझे पेंसिल से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं लगी तो मैंने इसलिए इसी टाइप से इजीली कट कर लिया है। तो देख सकते हैं मेरा शेप एकदम प्रॉपर आया है। अब मैं कार्डबोर्ड के ऊपर इसे पेस्ट कर लूँगी और फिर फटाफट मैं इसको कट कर लूँगी। बहुत पेशेंस से आप ये काम कीजिए, फिर आप रिज़ल्ट देखिए कितना बहुत खूबसूरत बन के कोई चीज़ तैयार होती है। हर चीज़ बाज़ार में मिल जाती है, लेकिन आप अपने बच्चे के लिए खुद से बनाइए, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये कार्डबोर्ड कट करके इसको और मज़बूती देने के लिए मैंने एक और कार्डबोर्ड का पीस इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। इसी तरीके से मैं नीचे पेस्ट कर दूँगी। त्रिशूल काफ़ी मज़बूत बनाना है ताकि बच्चा जब इसे लेके डांस करे तो त्रिशूल एकदम अपनी शेप में रहे। तो ये मैंने काफ़ी सारी स्ट्रिप्स इसके ऊपर कार्डबोर्ड की पेस्ट कर दी हैं। अब हम मैं एक गोल्डन शीट जो मैंने इसी के साइज़ की पहले ही कट कर ली थी वो इसके ऊपर मैं पेस्ट कर लूँगी। तो मैंने ये दोनों साइड से पेस्ट की है, आप भी दोनों साइड से पेस्ट कीजिएगा। अब एक लकड़ी की स्टिक लीजिए, वो इसके ऊपर आप चिपका दीजिए, और अब गोल्डन कलर का बॉर्डर लगा कर आप इसे नीचे तक कवर कर दीजिए। तो ये देखिए त्रिशूल कितना सुंदर बनके तैयार हुआ है।
शिव जी की पोशाक तैयार हो गई है, शिव जी का त्रिशूल तैयार हो गया है और इनकी ज्वेलरी भी तैयार हो गई है। ये हो गया चंद्रमा, डमरू, स्नेह। अब मैं अपने भोले को तैयार कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं माथे पे तिलक लगाऊंगी, जिसके लिए मैंने गोपी चंदन इस्तेमाल किया है और इसने इतने प्यार से ये तिलक लगवाया है ना दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकती। ये इतना खुश था शिव जी बनने के लिए, भोला बनने के लिए इतना खुश था। एक तो नाम इसका रुद्रा है, ऊपर से इसने खुद रुद्रा बनने के लिए इतना एक्साइटेड था। और ये देखिए, अब मैं बीच में एक लाल रंग की कुमकुम लगाऊंगी। मैं आइज ड्रॉ नहीं करूंगी, मैं उनके तिलक में सिंपल रखूंगी, ताकि मैं नहीं चाहती इसका रुद्र रूप दिखे। तो अब हम फटाफट इसको रेडी कर रहे हैं। बहुत मस्ती कर रहा था, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, तो माला पहना दी है, अंगूछा पहना दिया, उतार के भी कई बार फेंक दिया था। और अब देखिए, यहाँ पे मैंने जूड़ी बनाने के लिए एक रबड़ बैंड इस्तेमाल किया था, पर बाद में इसने इसको लगाने नहीं दिया था। सो मेरा भोला हो गया है रेडी। तो आप देख सकते हैं इसकी खुशी, पीछे हम भी बहुत खुश थे। काल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, भोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे, भोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा भोले के सहारे। भोले के नाम के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम। तुझे देंगे भोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने। भोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले, हर हर महादेव महाकाल बम बोले। बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम 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 बम।